अर्जुन स्टाइल। चलो जू हेलो मेरा हेलो 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 दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम माय न्यू ब्लॉग न्यू वीडियो अजीत हिंदी ब्लॉग से। ब्लॉग नहीं शूट कर रहा था, तो इसका एक रीजन था क्योंकि मैं अपने आप से पहले ब्लॉग में बताया होगा कि हमें एक मेडिकल शॉप खोल रही थी, तो इसलिए मैं काफी दिनों से ब्लॉग नहीं शूट करता था। एक वीक हो गया जो मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया। और जो आप ब्लॉग देख रहे हैं, कल जो संडे वाला आया था वो मैंने पिछले संडे शूट किया था, तो उसी का ब्लॉग होगा। तो उसी को मैं जो ब्लॉग पढ़े थे उसी को डाला है। तो अब जो कल छपिया मंदिर गया था वो ब्लॉग कल का ही है, मंडे का ही है। तो आप लोग से मैं इतने दिनों से नहीं मिल पाया, इसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगता हूँ और उम्मीद है कि आप लोग हमें माफ़ कर देंगे। तो अब डेली ब्लॉग आएगा। और ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था ये तो मैंने रीजन बता दिया कि हमें मेडिकल शॉप के लिए दुकान चाहिए था, तो उसमें मैं अपना पर्सनल काम में काफ़ी बिजी था। तो दुकान मिल चुकी है और उसका जो प्रोसेस होता है, जैसे काउंटर रैक और जो मेडिसिन लाना है, तो काउंटर के लिए तो मैंने कारपेंटर से बात कर ली है और वो कल से अपना काम चालू कर देगा। तो आपको मैं कल से जब काम चालू हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा। अब मैं पर डे ब्लॉग बनाऊंगा और ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप लोग काफ़ी बनाए रखते हैं और हम ऐसे भी शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड किया करते थे, क्योंकि YouTube की कुछ गाइडलाइनें हैं जो आपका चैनल डेट का हो सकता है अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे। तो मैं अभी रेडी हो चुका हूँ। चल रहा है, मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग शूट करना चाहता हूँ, मैं नवरात्रि शूट नहीं कर पा रहा था। और बगल में काफ़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बाहर हमारे नवीन गल्ला मंडी है, जो गल्ला रखा जाता है, तो काफ़ी लाइनों से गेहूँ आ रहा है इस समय और वो ट्रक आती हैं, तो वो इस काफ़ी नॉइस आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा से अंदर चलते हैं और ये डोर कर देते हैं क्लोज। तो मैं ब्लॉग इसलिए नहीं शूट कर पा रहा था जो को आपको रीजन बता दिया हूँ। तो अभी मैं नहा के अपना ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, तो अभी पूजा भी कर लिया हूँ। नवरात्र में मैं वीडियो शूट करना चाहता था, आपको दिखाना चाहता था कि हाँ नवरात्र का फर्स्ट दिन पर इतना मैं बिजी था, इतना प्रेशर था और बता ही नहीं सकता मैं। अभी इसके लिए अगर मैं बताना शुरू करूँ तो ये काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी नहा धो के एकदम ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुका हूँ। अभी हम चलते हैं कारपेंटर से बात करते हैं कि भाई हाँ कब से आएगा, क्योंकि वो अभी कहीं पे काम, मतलब उसका कारपेंटर का काम कहीं चल रहा है, तो कहा है 2 दिन लगेंगे। तो अभी वो शाम को आज वो दुकान पे हम दिखाएंगे, ठीक है। और आपको भी मैं सोच रहा हूँ कि जब तैयार हो जाएगा तो मैं आपको सभी को वो दुकान दिखाऊंगा, ठीक है। अब बहुत जल्दी नवरात्र के एंड तक मैं अपना मेडिकल शॉप ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो अभी तो हम वेट कर रहे हैं, फिलहाल हमें जाना है बहराइच, क्योंकि हमारी बाइक में कार से आया था, जो कि आपको ब्लॉग शूट नहीं किया होगा। लखनऊ गया था जब भाभी का पेपर था, आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, कल या परसों आएगा। तो इस समय ब्लॉग उल्टा नीचे होता रहेगा, तो इसके लिए थोड़ा से वो करिए, मैनेज करिएगा, फिर आपको रेगुलर का वीडियो रेगुलर आएगा, ठीक है। और फिर अभी हम जाएंगे बहराइच, ठीक है, स्कूटी चेंज करने के लिए। हमारी बाइक वहीं खड़ी है, तो बाइक लाएंगे अपनी और स्कूटी वहीं खड़ी कर देंगे। तो अभी निकलते हैं, फिलहाल अपना लंच करके, मतलब कुछ खा के, अभी ब्रेकफास्ट किया हूँ, कल भी नहीं किया था कुछ लंच और आज भी नहीं किया, तो बीमार हो जाऊंगा। तो चलते हैं फिर, ज्यादा बकवास ना करते हुए, और मेरा बकवास झेलने के लिए आप लोग का दिल से शुक्रिया और प्यार से सपोर्ट बनाए रखे अपने भाई को। तो वेट करते हैं, फिर अभी पुराने वाले घर पे जाएंगे लंच करने। अब यहाँ पे मैं बनाया नहीं हूँ क्योंकि काफी लेट हो जाएगा, मैं बनाना बैठा। तो आते हैं, फ्रेंड का वेट कर रहे हैं कि कारपेंटर से हमें बात करनी है और देखते हैं क्या कहता है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। फिर चलते हैं बहराइच के लिए, ठीक है, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों, हम बहराइच के लिए निकल चुके हैं गोंडा से, और मैं देखिए स्कूटी लेकर जा रहा हूँ और उधर से अपनी बाइक लेकर आऊंगा, जो आपने पुरानी मेरी धनो देखी होगी उससे मैं लेने जा रहा हूँ। तो अभी मैं जस्ट गोंडा से निकला हुआ हूँ जस्ट, और देख सकते हैं मौसम कैसा है। और ये रोड सीधा है आपको बहराइच ले जाएगी,
और बहराइच होते हुए आप ये ननपारा भी सकते हैं रुपेडिया, ये रोड आपको इसीलिए तरफ ले जाएगी। और काफ़ी तेज़ धूप है देख सकते हैं जैसे कि आप, तो चलते हैं फिर। और 60 किलोमीटर में ब्रेक लेना नॉन स्टॉप बहराइचे। मिलते हैं आप सभी से और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ये देखिए कहाँ से ट्रक आ गई बीच में। दोस्तों हम बहराइच पहुंचने वाले हैं, यहाँ से बहराइच 20 किलोमीटर है और मैं अभी यहाँ से 10-20 मिनट में पहुंच जाऊँगा। फिर मिलते हैं लड्डू से, फिर अपनी बाइक लेते हैं, फिर उसके बाद फिर रिटर्न घूमना। फिर मैं नॉन स्टॉप आ रहा हूँ उधर से बहराइच और फिर उधर से देखता हूँ। हालत तो काफ़ी हो गई है, धूल उल चल काफ़ी चेहरे पे लग गया है। तो पहुँच के थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और पानी पीते हैं, फिर अपनी बाइक उठाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं और देखते हैं लड्डू क्या कर रहा है, सो रहा है, जग रहा है। और आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरे पास माइक आपको पता ही होगा ख़राब हो गया है, तो उसे बहुत जल्दी मैं ले लूँगा और मैनेज करिएगा। वॉइस काफ़ी आ रही है, मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही होगी, तो काफ़ी तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर चलिए आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, फिर अपने जल्दी लड्डू से मिलते हैं, इसके बाद शूट करते हैं। तब तक देखिए आपका ये तड़तड़ाती धूप का नज़ारा। लगाओ चश्मा लगाओ। हेलो अर्जुन स्टाइल, चलो जू। हेलो मेरा हेलो 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 हेलो, चलो जू मिले, चलो जू के पास, चलो गोंडा, चलो जू है फास्ट जू, चलो चलो लड्डू, चलो हाँ जय अल्लाह लगा दिला। ये लगा ये देखे नंगा पंगा लड्डू, तो कहाँ कहाँ कोई नहीं आवा है। कोई नहीं आवा है, चलो कहा खोल दे, खोल दे, ओ खुल गया, ओ तो दोस्तों हमारी धन्नो हमारे पास आ चुकी है जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं। अब हम लोग बहराइच से निकल चुके हैं, लड्डू से मिल गया, लड्डू को चिप्स ले दिया और वो भी जाने के लिए तैयार था गोंडा, पर वो बाइक से कहाँ जाता, और जब उसके मम्मी पापा आएंगे तब वो आएगा। तो हम लोग निकल रहे हैं गोंडा के लिए और अभी मैं जस्ट निकला हुआ हूँ, तुरंत निकला क्योंकि हमें 4-5 बजे तक गोंडा पहुँच जाना है, रुकने का कोई सवाल नहीं होता। थोड़े से कुछ काम बाकी है वो कर लेते हैं और कल अपना और बहुत ज़्यादा काम है, तो हम लोग निकलते हैं गोंडा। We'll be right back.
दोस्तों मैं गोंडा के लिए जा रहा था पर भाभी जी ने फोन कर दिया और मैं जा रहा हूँ अब उनके जहाँ पे ड्यूटी लगी है वहीं पर जा रहे रिसीव करने। तो चलते हैं, उनका फोन आ रहा रिसीव कर ले, फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी बहराइच में ही हूँ और बहराइच में अभी मैं आया हूँ थोड़ा सा मोमोज और चटनी खाने। जो छोटू के दोस्त के भाई ने नया रेस्टोरेंट खोला तो वहीं पे हम लोग आए मोमोज और चिली पनीर खाने के लिए। मगर मोमोज खा रहे हैं, चिली पनीर पैक कराएंगे और लेते हैं एक स्प्राइट प्लेयर से जो कि यहाँ आधा लीटर वाला है जो कि 40-45 रुपये का है, तो उसको लेते हैं। और ये हमारे मोमोज देखिए नया रेस्टोरेंट है, देखते हैं मोमोज का यहाँ कैसा लगता है। और हम बहराइच से निकलेंगे गोंडा के लिए और अभी बज रहे हैं शाम के 7:00 हो रहे हैं और 8:30 तक हम लोग बहराइच से गोंडा के लिए निकलेंगे। लेट हो जा रहा पर खाना डिनर अपना लेके यहाँ से निकलते हैं, बन रहा है और थोड़ा से जो काम था वो तो हो चुका है। और चलते हैं मोमोज खाते हैं, देखने में देखे कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा। एक टू स्प्राइट लिया आधा लीटर का, तो इसको खा लेते हैं पीते हैं फिर निकलते हैं, ना तो लेट हो जाते हैं। ये देखिए हमारा स्प्राइट आ गया, तो चलते हैं पीते हैं छोटू साहब। तो दोस्तों रात के हो रहे हैं 9:30 और मैं बहराइच से अब निकला हूँ। मैं निकल रहा था दोपहर में वही 4:30-5 तो इमरजेंसी काम आ गया था तो मैं वो उनके ऑफिस चला गया था वहाँ से कि हमें एक फॉर्म भरना था जो कि मैं फॉर्म भर गया और फिर उसके बाद मैं खाना लेकर रात का डिनर लेकर फिर अब निकल रहा हूँ बहराइच से गोंडा के लिए। तो 4 किलोमीटर अपना गोंडा रह गया है और मैं पहुँचने वाला हूँ बस जहाँ से गोंडा 4 किलोमीटर है और घर पहुँच के फिर आप सभी से मिलता हूँ। देख लीजिए रात का नजारा, ओनली खाली रोड पे आपको ना कोई आदमी ना कोई गाड़ी ज्यादा, ओनली आपको खाली गाय देखने को मिलेगी। गाय बहुत ही पालतू गाय जो कि बहुत ही आपको दिखाया नहीं हूँ मैं कैसे, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रहा था क्योंकि अंधेरे में ब्लैक गाय दिखाई नहीं देती। अब देखिए सब गाड़ी कितनी स्लो जा रही है, सब गाड़ी स्लो जा रही है, मैं भी अब स्लो जा रहा हूँ बीस के स्पीड में। अब आपको घर पे वेट कर रहे हैं मेरा क्योंकि मेरे पास सारी चाबी है। तो हम लोग ये देखिए आपको गाय मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आपको गाय दिखाई दे रही है नहीं दिखाई देती, ये सब ऐसे लेटी रहती है रोड पे। और डॉगी कुछ गाय तो अंधेरे में दिखाई नहीं देती, बिल्कुल ब्लैक रहती है और इस पे कोई लाइट वाइट नहीं है इस रोड पे, बल्कि एकमात्र हाईवे है बहराइच और गोंडा और इसी पे आपको बलरामपुर, ये सारे ये बहराइच का हाईवे रोड है, बताइए कोई लाइट नहीं। तो ये तो हुई गवर्नमेंट वाली बात, अपने से क्या मतलब भाई, आप सही सलामत घर पहुंच के फिर आपसे मैं मिलता हूँ, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो हम तो टाइम से पहुंच गए, गेट हो गया बंद, यहाँ पे हो गए ग्रीन सिग्नल और क्रॉसिंग हो गया बंद। अब वेट करते हैं, नियम का पालन करते हैं, नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसके बाद चलते हैं। मैं घर पहुंच चुका हूं और मतलब जो कपड़े थे काफी धूल और काफी डस्ट चेहरे पे आ गई थी, तो मैं मुंह हाथ धोकर बाल और सब सेट करके अब जा रहे हैं अपना डिनर करने। और आंखों में आपको काफी नींद दिख रही होगी, तो टाइम हो रहा है अब हो रहे हैं टाइम, ये सैमसंग का 1200 है, इसमें तो टाइम 12:18 हो रहे हैं पर एक्चुअली टाइम 10:30 हो रहा है। तो हमारा है आज का
चिली पनीर और रोटी, जो कि आज का डिनर है। मैंने चिली पनीर पैक कराया हूँ क्योंकि आज चिली पनीर खाने का मन कर रहा था, तो क्योंकि दो दिन एक दिन और है फिर मेरा फास्ट रहेगा। और तो वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, न अच्छी लगे डिसलाइक करिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल, और कल हो सके तो मैं अपने गोंडा का पंडाल का दर्शन कराऊं। पंडाल जिसे माता के जो पंडाल सजते हैं उसका आप सभी को दर्शन कराऊंगा, जो कि मेरे दो जगह लगते हैं, एक चौक में लगता है, एक बड़गांव में रानी बाजार में लगता है। तो हो सके कल रानी बाजार का होगा और परसों होगा चौक का, जिसकी मेरा फास्ट रहेगा। ठीक है, जानकारी थी कि ब्लॉग किस पे आने वाला है, क्योंकि नवरात्र पे कोई ब्लॉग नहीं आया है तो इसलिए ब्लॉग पे आएगा। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।